और सभी को मेरा मानदार वदेयर। और आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, मेरा लेक्चर वन है टेंजेंट टू अ सर्कस। और इस चैप्टर में आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लोग समझते हैं कठिन चैप्टर है। कठिन चैप्टर नहीं होता कोई, बल्कि लॉजिकल चैप्टर है। लॉजिक है सो 5 और 2 थ्योरम है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा और टेंजेंट टू अ सर्कल के बेसिक में आपको बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ सर्कल। बहुत बेसिक क्वेश्चन और एक नंबर का क्वेश्चन की आज हम डील करेंगे और बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। देखिए हमारा, व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल तो नाम ही है चैप्टर का, तो वही क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका, पिछले साल आया था। व्हाट इज अ सर्कल, 1 मार्क का 1 मार्क। तो सबसे पहले मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन देने के पहले कुछ बताऊंगा कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर रहते हैं, जो सेम लाइन के ऊपर पॉइंट रहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब इनके ऊपर जितने पॉइंट है, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब रैंडमली पॉइंट, कहीं भी जो रहते हैं रैंडम पॉइंट, ये सब पॉइंट नॉन कोलिनियर रहते हैं। जो एक लाइन नहीं बनाते बल्कि कुछ फिगर बनाते हैं, कुछ कोलिनेटर बनाते हैं, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब मैंने आपको बताया जैसे कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इसको आप अपने माइंड में सेट रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट इज अ सर्कल। तो आप सुनिएगा, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो सर्कल होता है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का सेट होता है। आंसर, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा कि आपको देख चुका है, मैंने नॉन कोलिनियर बता चुका हूं। तो देखिए सर्कल, ये एक सर्कल है, आप देख रहे हैं रैंडम पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर है। इसको आप ज्वाइन करेंगे, अगर राउंडर से करेंगे और उससे करेंगे स्केल पेंसिल से, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है सर्कल बनेगा। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट वेयर ईच एंड एवरी नॉन कोलिनियर पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बताता हूं मैं आपको इसका मतलब, वेयर ईच नॉन कोलिनियर पॉइंट पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जहां पे हर एक नॉन कोलिनियर पॉइंट सेंटर का उसका डिस्टेंस सेम रहता है सेंटर से, वही मैंने इसको लिखा है इंग्लिश में, आप हिंदी में समझिएगा। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट का सेंटर का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, सेम रहता है सर्कल से। एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, एंड दिस डिस्टेंस is known as radius, और इस distance को हम radius कहते हैं, radius। ये सब distance, फिर से आप definition सुनेगा, circle is a set of non-collision points where each non-collision point is equidistant from center, and this distance is known as radius। इन distance को radius कहते हैं। एक बहुत important बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई circle question करते हैं तो उसमें given कैसे लिखा जाता है, given। तो सर्कल के क्वेश्चन में हमेशा गिवन कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। गिवन, जैसे मान लीजिए हमको एक सर्कल दिया, उसका गिवन क्या होगा, तो उसका गिवन होगा सर्कल विद सी सेंटर ओ एंड रेडियस आर। फिर से देखिएगा, अ सर्कल विद सी, पहले मैं आपको लिख के बताऊंगा, अ सर्कल विद सी विद सेंटर ओ, a circle C with center O and radius R। ये मैं आपको डेफिनेशन लिखी है, वैसे इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है ऐसे, a circle C with मतलब ब्रैकेट स्टार्ट सेंटर O एंड मतलब कॉमा रेडियस R ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको गिवन रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, गिवन ये लिखी, ये लिखना आप। और मान लो आपको रेडियस दिया है, जैसे 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, तो आप इसकी जगह 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, सर्कल सी विद सेंटर हो एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर।
ये आपको गिवन है, और ये एक मार्क क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस साल भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अब मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड मार्क नरोदिया।